आइए हम लोग बात करेंगे सन 2020 में पूछे गए जीएस में हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ 2020। द क्वेश्चन इज हड़प्पा सभ्यता के काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगेन वही प्रक्रिया हमको फिर से अपनाना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अर्बनाइजेशन हड़प्पा में भी था और अर्बनाइजेशन आज भी है। आपको एक काम करना है, यू हैव टू कोरिलेट द हड़प्पन टाउन प्लानिंग विद द मॉडर्न टाउन प्लानिंग। आपको हड़प्पा के टाउन प्लान्स को आज के टाउन प्लान के साथ क्या करना है, ऐड करना है, उसके साथ आपको उसे एडजस्ट करना और एक्युमुलेट करना है। ठीक है, आइए। आपको बहुत थोड़ा सा लिखना है इंडस वैली के बारे में, यानी इसका डेट या टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, उसके बाद इस सभ्यता का नेचर क्या था, इस सभ्यता का ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन क्या था, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, ये तीन चार बातें आपको इसमें डिस्क्राइब कर देनी है। और इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा ये भी बता देना है, इसका नेचर, नेम एंड ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन अलोंग विद द डेट। ये बताने के बाद आपका इंट्रो खत्म होगा और आपको सीधा कूदना है कहां, टाउन प्लान पे। मेन बॉडी इज ऑल अबाउट द टाउन प्लान, या आप अगर कहें तो मेन बॉडी इज ऑल अबाउट द अर्बनाइजेशन। अच्छा, टाउन प्लान कैसा था, अर्बन था। तो आपको स्टार्ट करना है, एवरी हड़प्पा सिटी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ये आपको सब कर लेंगे आप लोग। यहां पे क्या है एक्सेप्शन, ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्शन जो भी है वो आपको देना है। जैसे धौलावीरा का एक्सेप्शन है, चनहुदड़ो एक्सेप्शन है, इसमें तो देना है। ड्रेनेज सिस्टम कैसा था वो आपको बताना है, अपने कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन से आपको इसका कंपैरिजन करना है। तो यहां मिलता है डू कंपैरिजन विथ कंटेम्परेरी एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी मेसोपोटामिया में, दजला फरात में, नील नदी की सभ्यता कैसी है, ये तो आपको बताना ही बताना है। द प्रेजेंट मॉडर्न इंडियन सिविलाइजेशन में ड्रेनेज सिस्टम कैसा, कोई भी बताना है, एंड विथ मॉडर्न अर्बनाइजेशन आपको ये भी बताना होगा कि आज कैसा है, अगर आज बेटर है या आज खराब है। खराब है तो बेटर कैसा आपको बताना पड़ेगा। सड़कें, वहां पे सड़कें भी थी और नालियां भी, सड़कें भी थी, गलियां भी थी, इंटरसेप्ट ईच अदर ऑन राइट एंगल, तो सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। अगेन स्टार्ट कंपैरिजन विद द मॉडर्न एज, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ वो जो, ये आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। और एक छोटा सा डायग्राम आप चाहो तो यहाँ पे बना करके दिखा सकते हो कि देखो भाई ऐसे था, ये सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, ये यहाँ पे काट रही हैं समकोण पर, ठीक है, और ये पूरा शहरों में सड़कों का जाल फैला हुआ है, ये जो है आपका रेजिडेंशियल एरिया है और ये लिंक रोड है, ये क्या है, लिंक रोड है, ये क्या है, राजपथ, आपने पढ़ा होगा राजपथ। तो ये सब आपको छोटा सा बना के दिखा दे रहा हूं वहां पे, देखो ऐसा था टाउन प्लान। बिल्डिंग मटेरियल्स क्या क्या हमने इस्तेमाल किया और आज क्या हम इस्तेमाल करते हैं, कच्ची ईंटें, पक्की ईंटें, सब आपको बताना है। और कैसे आज की सभ्यता से वह सभ्यता बेटर थी, हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द बेटर देन प्रेजेंट सिविलाइजेशन, ये भी आपको बताना है। एंड वॉट वी हैव टू लर्न प्लस व्हाट वी स्टिल हैव टू लर्न, हमें आज तक और क्या सीखना होगा उनसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें और क्या सीखना होगा, हमें यह भी जानने की आवश्यकता है और हमें यह भी क्या होगा, जानना होगा। फिर कहता है ग्रेट ग्रेनरी, बड़े बड़े अन्नागार थे, क्यों थे अन्नागार, द ग्रेट बाथ, इसका क्या यूज था, जो भी वहां पे स्ट्रक्चर था उसका क्या यूज था और उसका आज क्या यूज है, आपको ये बताते हुए इसमें आगे बढ़ना है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये और आपको अब इसमें लाना है कंक्लूजन।
कंक्लूजन आपको सिर्फ वो चीजें बतानी जो आज नहीं है, जैसे इंडस वैली का जो टाउन प्लान था वो बस्ट है। आज जो शहर है वो अपने आप क्या है, बसे हुए हैं, इट वॉज नॉट वेल सेटल्ड, वो अपने आप बन गए हैं बस। आज भी उसमें क्या है, ट्रैफिक की समस्या है, आज भी उसमें क्या है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, आज भी उसमें क्या है, तो बेटर सीवेज सिस्टम नहीं है। बेटर सीवेज सिस्टम नहीं है तो क्या क्या आज नहीं है और क्या क्या उस जमाने में था, आपको यह हर बात का ख्याल रखना होगा। आपको हर बात देखनी होगी कि आज क्या क्या नहीं है और उस जमाने में क्या क्या था, और हमें आपको आज हाउ इट विल बिकेम मच बेटर, हाउ प्रेजेंट सिविलाइजेशन बिकेम मच बेटर। ये और बेटर कैसे होगा, ये आपको देखना है, आपको जानना है कि जो आज का सिविलाइजेशन है वो और ज्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सवाल कर लेंगे। आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए, इवेलुएट द व्यूज ऑफ गांधी ऑन द वर्णा सिस्टम। वर्ण व्यवस्था पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। अब आपको इसके इंट्रोडक्शन में दो बात बतानी होगी, एक तो आपको बताना होगा कि वर्ण व्यवस्था क्या है और जाति व्यवस्था क्या है, दोनों के बारे में बहुत स्मॉल में, कि दोनों का ओरिजिन कैसे हुआ, दोनों का ओरिजिन कैसे हुआ सोसाइटी, ये आपको बताना है। और अब आपको सीधा आना है मेन बॉडी पे, आपको बताना है कि महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या सोचते थे। आप सबको पता है कि ही वॉज वेरी पॉजिटिव व्यूज, ही फॉलोज द वर्णा सिस्टम, ही सपोर्टेड द वर्णा सिस्टम बट नॉट कास्ट सिस्टम। तो वो पॉजिटिव थे तो क्यों थे, वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, क्या वजह है कि महात्मा गांधी धर्म को बहुत मान्यता नहीं देते लेकिन वर्ण व्यवस्था को महात्मा गांधी मानते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या है, समाज का साइंटिफिक अप्रोच है। तो ये साइंटिफिक अप्रोच कैसे है, साइंटिफिक अप्रोच कैसे है, ये आपको क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। यू हैव टू डिफाइन हाउ वर्णा सिस्टम हैव द साइंटिफिक अप्रोच, कैसे वर्ण व्यवस्था एक साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक अवधारणा है। यू हैव टू डिफाइन इट, अंडरस्टूड, यू हैव टू डिफाइन हाउ वर्णा सिस्टम हैव द साइंटिफिक अप्रोचेस, इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट, एंड हाउ वर्णा सिस्टम इज गुड फॉर गुड बट कास्ट सिस्टम इज नॉट, why caste system, why and how, आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। क्या अनटचेबिलिटी, इसकी वजह से क्या आया, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग समाज की मुख्यधारा से क्या हो गया, कट गया, डिप्राइव सेक्शन आया, वंचित वर्ग, दलित वर्ग आया इसकी वजह से, जाति व्यवस्था की वजह से। और अब महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था को मान रहे हैं, जाति व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने जो डिप्राइव क्लास था, जो अछूत वर्ग था, जो अनटचेबल क्लास था, या समाज के मुख्यधारा से जो कटा हुआ वर्ग था, उसके लिए क्या किया, तो आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द गांधीयन थ्योरी ऑफ सर्वोदय, यूनिवर्सल। आप लोगों ने पहले भी बात किया इसका, पता है कि नहीं पता आपको, हाँ, यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट। महात्मा गांधी को जब भी सवाल आएगा तो गांधी फिलॉसफी के इर्द गिर्द ही सवाल आएगा, सार्वभौमिक उत्थान की बात करते, सबका साथ सबका विकास। और गांधीयन थ्योरी सर्वोदय आज तक दुनिया के हर देश में लगभग जारी है। आज पूरी दुनिया जितनी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक विभेद जितने हैं, चाहे वो रंग के ऊपर हो, चाहे वो जाति के ऊपर हो, चाहे वो किसी और धर्म के ऊपर हो,
चाहे वो बनावट के ऊपर हो, जितना भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, आज पूरी दुनिया इससे जूझ रही है और इससे निजात पाना चाहती है। द एंटायर वर्ल्ड विलिंग टू रिमूव द सोशल डिस्क्रिमिनेशन, द एंटायर वर्ल्ड आर फेसिंग द चैलेंजेस टू इरिडिकेट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन। जो सामाजिक मतभेद है, सामाजिक भेदभाव है, वह आज एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की जड़ है, कलह की जड़ है, और यह कैसे जाएगा? तो सर्वोदय। आज देखिए हमारी गवर्नमेंट, आपको फिर वही बात बतानी पड़ेगी कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलने के लिए हमारे सरकार ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। इट मीन्स विदाउट द इंक्लूडिंग मासेस द डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल, विदाउट इंक्लूडिंग द डिप्राइव सेक्शन, without bringing them into the mainstream, the development could not be possible. उन्हें बिना मुख्य धारा मिलाए विकास की परिकल्पना, विकास की संकल्पना अधूरी है, झूठी है, खोखली है। अब आपको बता देना है कंक्लूजन में। अब देखो बहुत कुछ बचा है कंक्लूजन में कहने के लिए। आप कंक्लूजन में सीधे आइए कि वर्णा सिस्टम अच्छा था अकॉर्डिंग टू गांधी, लेकिन अभी कुछ लोग और हैं जो इसका भी विरोध, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, बट डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध किया है। वो मानते हैं कि जो आज कास्टिज्म है उसकी वजह वर्ण व्यवस्था ही है, वर्ण व्यवस्था की वजह से ही जाति व्यवस्था हमारे समाज में आई, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर इसका विरोध करते हैं। थोड़ा सा उनके अपोज के बारे में बता देना है, ठीक है, और बताना है कि उसके बावजूद महात्मा गांधी कभी किसी अनटचेबिलिटी का महात्मा गांधी का करता सपोर्ट नहीं करते हैं। तो महात्मा गांधी ने जो थ्योरी दिया वही थ्योरी क्या थी? सबका साथ सबका विकास, यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट। बता दीजिए कि वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने के बावजूद महात्मा गांधी जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे, जाति व्यवस्था को समाप्ति चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने क्या किया? अच्छा, उन्होंने कुछ काम भी किया, बता देना। हरिजन मैगजीन निकाला है, एक्टिव पॉलिटिक्स से 1932 में उन्होंने क्या किया? संन्यास ले लिया। और आपको याद होगा एक एक्सीडेंट, वो गए थे बिहार में एक भूकंप में, तो उन्होंने कहा था कि यह तुम हिंदुओं के पापों का डिवाइन पनिशमेंट है, दिस इज द डिवाइन पनिशमेंट ऑफ योर ऑल सीन्स। वो किस पाप की बात कर रहे थे? तो उन्होंने अस्पृश्यता को पाप माना है, उन्होंने अस्पृश्यता को पाप माना है। और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का जब वो दौरा कर रहे थे, उन्होंने बहुत कठोर स्टेटमेंट दिया। इट मीन्स कि गांधी जी को कभी भी कास्टिज्म एक्सेप्टेबल नहीं था। हो गया कंक्लूजन, ठीक है। आइए अगला सवाल है, इटली में फासीवाद के नेता मुसोलिनी की विदेश नीति पर टिप्पणी लिखिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कि इटली है कहां, दूसरा कि फासिज्म क्या है, और तीसरा मुसोलिनी, ठीक है। इटली एशियाई देश है, ये तो पता है ना आपको, इटली एशियाई देश है तो पता ही आपको, ठीक है। और मुसोलिनी ने जिस नई विचारधारा को जन्म दिया उसे फांसीवाद कहा गया। तो यहां पे आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट अबाउट मुसोलिनी एंड व्हाट डू यू मीन बाय फासिज्म। इन दोनों के बारे में लगभग ढाई ढाई लाइन लिखिए, ठीक है, टू एंड हाफ लाइन्स दोनों के बारे में आपको लिखना होगा। फाइव लाइन्स का आपका यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा इंट्रोडक्शन तैयार होगा। और अब आपको बात करनी है कि मेन बॉडी में कि उसकी फॉरेन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहले समझिए कि क्या था मुख्य उद्देश्य, इतना डिटेल में उसका फॉरेन पॉलिसी आया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका पहला उद्देश्य था टू एक्सपेंड द इटालियन एम्पायर एंड एस्टैब्लिश डोमिनेंस, पूरे यूरोप में या हम कहें विश्व क्षितिज पर इटली को स्थापित करना, इटली का प्रभुत्व स्थापित करना, यह उसका पहला उद्देश्य था। और दूसरा फर्दर एक्सपेंशन इनटू अफ्रीका एंड ही डिड बाय स्ट्रेंथनिंग हिज होल्ड ओवर लीबिया एंड टू एस्टैब्लिश इटली एज अ पैरेलल वर्ल्ड पावर, इटली का प्रसार करना कहां, यूरोप में, अफ्रीका में, इटली का प्रभुत्व स्थापित करना और इटली को एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करना। वह चाहता था कि इटली को एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित किया जाए।
ये तीन ऑब्जेक्टिव थे उसके फॉरेन पॉलिसी के, और अब धीरे से आ जाइएगा उसके फॉरेन पॉलिसी के साइलेंट फीचर्स में। लेकिन बीच में को बताना पड़ेगा कि उसकी फॉरेन पॉलिसी आई क्यों। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटली गॉट विक्ट्री विद द फ्रेंड्स नेशन, मित्र राष्ट्रों के साथ इटली को विजय प्राप्त हुआ, बट स्टिल इटली वॉज नेग्लेक्टेड, स्टिल Italy was humiliated, and still Italy was not got that glorification what the other European nations got. जो बाकी देशों को glorification मिला था, क्या Italy को वो glorification मिला था? क्या Italy का वो गौरवशाली परंपरा? आप बात करते हैं रोम, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में रोमन सभ्यता रही है, विश्व के प्राचीनतम शहरों में वेनिस का नाम आता है, वह गौरवशाली जो उसका इतिहास था वह प्रथम विश्व युद्ध में जीतने के बावजूद बहुत ज्यादा स्थापित नहीं हुआ बल्कि धूमिल रहा। अब एक नेता आएगा मुसोलिनी, वह इस अपमान के घूंट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वह इटली के उस पुराने गौरव को स्थापित करना चाहता है एट द न्यू ग्लोबल हराइजन, नए विश्व क्षितिज पर वह उस पुराने इटली के गौरव को स्थापित क्या करेगा, बहुत सारा कार्य करेगा। उसमें पहला कार्य क्या था, तो उसने अल्बानिया पर कब्जा किया, उसने क्या किया, उसने अल्बानिया पर कब्जा कर लिया, और अल्बानिया पर कब्जा का मतलब यह था कि वह इटली का प्रसार देख रहा था। कोर्फू पर उसने बमबारी की, उसने कोर्फू द्वीप पर बमबारी, हालांकि कोर्फू द्वीप उसे खाली करना पड़ा लेकिन ब्रिटेन के दबाव में, आपको पता होगा आपने पढ़ा है, देखिए मैं सिर्फ शॉर्ट बात करता हूं, कोर्फू द्वीप उसने बमबारी किया और कोर्फू पर उसने कब्जा भी कर लिया, हालांकि ब्रिटेन के दबाव में उसे कोर्फू खाली करना पड़ा, लेकिन कोर्फू खाली करने के बावजूद उसने यूरोप से वॉर फाइन तो वसूल लिया था, वॉर फाइन तो वसूल ही लिया था, और पूरे यूरोप को बता दिया कि सुनो इटली वो राष्ट्र है जो अब धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहा है। क्या हो रहा है, शक्तिशाली। उसने अबसीनिया पर आक्रमण किया ताकि वह अफ्रीका तक अपना प्रसार कर सके, उसने रूस से संधि किया, हालांकि उसको रूस की संधि से बहुत कुछ मिला नहीं, इटली गॉट नथिंग विद द पैक्ट ऑफ यूरो रसिया, बट ही गॉट अ पावरफुल फ्रेंड इन यूरोप। क्या मिला उसे, एक पावरफुल फ्रेंड। इस दोस्ती के अलावा उसे और कुछ नहीं मिला यूरोप से, इसने जर्मनी से भी दोस्ती की, जर्मनी में इस समय कौन है, हिटलर, और दोनों की दोस्ती एक समझौता जिसे फौलाद कहा गया। इटली को मालूम था कि बिना जर्मनी के उसका प्रसार संभव नहीं है, और जर्मनी को बहुत अच्छे से मालूम था कि बिना उस बिना इटली की हेल्प के वह भी बर्लिन को स्थापित नहीं कर पाएगा। तो रोम बर्लिन पैक्ट कहा गया इसे, क्या कहा गया, रोम बर्लिन पैक्ट, और इसमें दोनों ने बोथ ट्राइंग टू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे की मदद का वादा किया, बोथ प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर, कि हम दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, दोनों ने दूसरे को वादा किया। इसके अलावा उसने और कुछ किया, क्या किया, आपको पता हो रोड्स एक आइलैंड है, रोड्स आइसलैंड, उसने रोड्स आइसलैंड पर कब्जा कर लिया, ठीक है, और यह उसका यह सैन्य अभियान किया, मिलिट्रिलाइजेशन किया, मिलिट्रिलाइजेशन सैन्यकरण किया, और यह उसका प्रथम भाग था किसका, विदेश नीति का। डोडिकनाज, डोडिकनाज एक आइसलैंड और था, डोडिकनाज, उसने इस पर भी क्या किया, मिलिट्रिलाइजेशन किया, एंड इट वाज द फर्स्ट एक्सपेडिशन ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी। इसके अलावा बहुत सी बातें उसमें और आप मैंने नहीं लिखा है, आप चाहो तो आप इसमें आगे आप बहुत सी चीजें आप और ऐड कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो, ही विलिंग टू कैप्चर ओवर द मेडिटेरियन सी एंड ही ट्राइंग टू कन्वर्ट द मेडिटेरियन सी इनटू द इटालियन लेक, भूमध्य सागर को वह इटली झील बनाना चाहता था, इटालियन लेक में कन्वर्ट करना चाह रहा था, यह भी उसकी विदेश नीति का हिस्सा था, और वह चाह रहा था कि
पूरे भूमध्य सागर पे इटली का प्रभुत्व स्थापित हो, इटालियन सोवरेनिटी स्थापित हो। आप ये भी लिख सकते हो कि ही लेफ्ट द पार्टिसिपेशन इन लीग ऑफ नेशंस। जैसे लीग ऑफ नेशन बनेगा, इटली सबसे पहले अलग हो जाएगा। बाय अपने क्यों? उसे मालूम था कि वह लीग ऑफ नेशंस के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि उसे क्या करना था, ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट हिज फॉरेन पॉलिसी, ही हैड टू डू एक्सपेंशन। उसने क्या किया, लीग ऑफ नेशंस को छोड़ करके उसकी बाध्यताओं से, उसके बाउंडेशन से खुद को आजाद कर लिया। अब आपको लिखना है कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन में आपको बहुत शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, लगभग 3-3.5 लाइन आप यहां पे लिख पाओगे कंक्लूजन में। और आपको बताना है कि बाय ऑल फेयर और अनफेयर मींस येन केन प्रकारेण, हाँ हिंदी में अगर आप लिखें लिखिए बकायदा, येन केन प्रकारेण बाय ऑल बाय यूजिंग ऑल फेयर अनफेयर मींस बाय हुक और क्रुक्स मुसोलिनी एबल टू ग्लोरीफाई द इटली ऑन द ग्लोबल हराइजन। यस, उसने इटली का क्या किया, ग्लोरीफिकेशन किया। उसने क्या किया, उसने इटली को पावरफुल बना दिया, उसने इटली को अनपैरलल्ड असमानतर शक्ति बना दिया विश्व में। लेकिन उसने इटली को क्या कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक भी तो दिया, जो इटली और इटली के लोगों के लिए क्या था। हाँ तो बताइए उसको कि ये न केन प्रकारण मुसोलिनी ने विश्व क्षितिज पर इटली को पुनः गौरवशाली शक्तिशाली सत्ता के रूप में, विश्व की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित तो किया, लेकिन इन सब के साथ उसने इटली को दूसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया, जिसकी एक बड़ी कीमत इटली की आबादी, इटली की शक्ति, इटली की समृद्धि को सब कुछ गवा करके चुकाना पड़ा। आज क्या है इटली का वजूद? एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या बचा था इटली का वजूद? नथिंग। तो आपने सब कुछ किया, लेकिन युद्ध में झोंक करके सारा गुड़ गोबर कर दिया। मतलब तुरंत तो नहीं हुआ क्या, धीरे धीरे ग्रेजुअली इट बिकेम डिक्लिनेशन। आज इटली कोई महाशक्ति नहीं। तो ये आपको उसको यहां पे ऐसे करके कंक्लूड कर देना है कि सब कुछ करके भी क्या किया, खराब। गॉट इट? आई होप आप लोग एक सवाल भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या कहता है, कहता है कि भारतीय क्षेत्र में क्या क्या पाश्चात्य प्रभाव रहे हैं। अब आपको स्टार्ट को करना कैसे, सीधा आपको थोड़ा सा वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का क्या करना है, हल्का सा ब्रीफ देना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हल्का सा बड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट ज्यादा है। वुड डिस्पैच, सार्जेंट कमीशन, रैले कमीशन, हार्टोक कमेटी, इनका बहुत थोड़ा थोड़ा सा नाम लिया, मैकाले मिनट, ये सब नाम लेकर आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, क्योंकि आपसे सवाल पूछा है उसका इंपैक्ट, और भी कैसा पूछा है, का क्रिटिकली इट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, दोनों ही बताना पड़ेगा, एक तरफा से काम चलने वाला है नहीं। तो आपको यहां पे स्टार्टिंग में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम कैसे भारत में आया, क्या क्या उसके लिए किया गया, उसके लिए क्या क्या, जैसे हमने वुड्स डिस्पैच किया, मैकाले मिनट्स किया, सार्जेंट कमीशन, हार्टोक, जितने भी कमीशन थे नाम लेकर के आगे बढ़िए और बताइए कि सबका एकमात्र उद्देश्य था। यही आपको क्लियर कर देना है कि व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल। क्यों पढ़ा रहे हो हमको अंग्रेजी, क्यों ब्रिटिश शासन भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाने पर आमादा है, क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे मेन बॉडी में। सिग्निफिकेंसेस और इंपैक्ट, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, एग्जैक्टली हमें आजादी क्या होती है, ये पाश्चात्य शिक्षा से मालूम चला कि आजादी भी किसी चिड़िया का नाम, लिबरेशन, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, वरना हम तो डोमिनियन में खुश थे। इक्वालिटी, जस्टिस,
न्याय क्या होता है, समता क्या होती है और स्वतंत्रता क्या होती है, यह कहीं ना कहीं ब्रिटिश शिक्षा का, ब्रिटिश संस्कृति का प्रभाव भारतीयों पर पड़ा और उसने हमारी जन चेतना को क्या किया, जागृत किया, अवेयर द मासेस फॉर इंडिपेंडेंस। हमारी जन चेतना को आजादी के लिए क्या किया, जागृत किया। हमने वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ा, किसको पढ़ा हमने, हॉब्स को पढ़ा, लॉक को पढ़ा, रूसो को पढ़ा हमने, और हम इंस्पायर्ड हुए उनके पॉलिटिकल एंड सोशल थिंकिंग से और हमने सामाजिक आजादी के लिए भी संघर्ष करना शुरू किया। वी हैव स्ट्राइव फॉर द पॉलिटिकल एंड सोशल फ्रीडम, जिसका नतीजा क्या था, जिसका नतीजा था द सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया या इंडियन रेनेसा। क्या था इसका नतीजा, द सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, क्या था नतीजा, सोशल रिफॉर्म्स मोमेंट इन इंडिया। और इस सोशल रिफॉर्म्स मोमेंट से क्या पैदा हुआ, नेशनलाइजेशन, द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म, द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म पैदा हुआ और वी स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। या हमने स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, देख रहे हैं, ये सब इंपैक्ट है, आपको बस बनाना है इस तरह से डायग्राम में, आपको सिर्फ ऐड करना है चीजों को, जितना आपको मैं कीवर्ड दे रहा हूं आप सिर्फ अगर उतना भी लिख लीजिएगा एग्जाम में, आप यकीन मानिए आपको नंबर की बरसात होगी, बरसात, और है भी बरसात होगी नंबर की। बस कोरिलेशन आपको सीखना है, जस्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू कोरिलेट द थिंग्स। कहा अब हम कॉन्सेप्ट क्या आया हमारे पास, सेल्फ रूल एंड डेमोक्रेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रूल एंड डेमोक्रेसी की बात करने लगे हम, क्योंकि हमने हॉब्स पढ़ लिया, लॉक पढ़ लिया, रूसो पढ़ लिया। दिस हेल्प्ड इन ब्रेकिंग रीजनल बैरियर्स एंड यूनिफाइड द कंट्री। इससे क्या मिला हमको, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट मिला, इंटीग्रेशन, क्या मिला, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट मिला, क्या मिला हमें, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट मिला। And it had de-associated Indian people from their traditional way of learning and living, their classical roots and indigenous knowledge. लेकिन इसका impact ये भी पड़ा, किसने, हमें हमारी जड़ों से अलग कर दिया। इस शिक्षा ने जो हमारा traditional way of learning था, traditional way of teaching था और traditional way of living था, उन roots से हमें अलग कर दिया। जो indigenous knowledge था, जो पूरे विज्ञान का source था, वह वेद या वह वैदिक ज्ञान या वह भारतीय ज्ञान, उसे क्या किया, बिल्कुल अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया, क्या था उसके पीछे वजह, तो ब्रिटिश विलिंग टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस दैट मस्ट बी बाय ब्लड एंड कलर दे मस्ट बी इंडियंस बट इन टेस्ट दे मस्ट बी ब्रिटिश। वह एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रक्त और वर्ण से भारतीय हो लेकिन विचारों से, टेस्ट में, सोचने की क्षमता में अंग्रेज हो। तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ा है, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े हैं, आप पॉजिटिव और भी लिख सकते हैं इसमें, बहुत सारी चीजें इसमें और भी बची हुई हैं पॉजिटिव में, लेकिन आपके पास इतना स्पेस और इतना समय नहीं होगा, इसलिए चीजों को बहुत शॉर्ट में, समराइज्ड वे में लिखना है, यह ध्यान देना है, ठीक है। अगर हमने कहा यहां पर कि सेल्फ रूल एंड डेमोक्रेसी, इट मीन्स आपने बता दिया कि पूरे लड़ने की क्षमता हमको यहीं से मिली है, हमने जितना स्ट्रगल किया हमको यहीं से मिला है। द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आपको कहा डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट, द ऑल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद हमें कहां से मिला, ये भी हमें यही समझ।
तो कहता क्या है कि इसने क्या किया, तो इसने हमें हमारे कल्चर से अलग किया या दे डिसरूटेड डिसोसिएटेड फ्रॉम आवर कल्चर। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आज तक पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, उसको साथ से जोड़ दीजिए। आज भी भारतीय संस्कृति वह गौरवशाली संस्कृति अपनी पहचान खो रही है, आज भी वो संस्कृति विलुप्त होने के कगार पे और बहुत जगहों पे हो चुकी, बहुत से ट्राइब्स में, बहुत से रीजन्स में दे बिकेम अल्ट्रा मॉडर्न, द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रा मॉडर्नाइजेशन। और अल्ट्रा मॉडर्न का नतीजा क्या है, अल्ट्रा मॉडर्न का नतीजा कि पबजी खेलने पर मना करने पर बेटे ने मां की हत्या कर दी, दैट इज द अल्ट्रा मॉडर्नाइजेशन, दैट इज द अल्ट्रा मॉडर्नाइजेशन। ये ब्रिटिश शिक्षा का प्रभाव है ये अल्ट्रा मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं तो आपको मतलब समझ में आ गया, आपको समझा दे रहे हैं एग्जाम्पल देकर के। और फाइनल एम क्या था उनका कि रक्त और वर्ण से भारतीय और विचारों से और व्यवहार से अंग्रेज। कंक्लूजन, हाउएवर लेटर द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम स्टिल फॉलोड इन इंडिया, दे रिप्लेस्ड एज ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री विथ इंग्लिश वेज, स्टिल द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया नीड्स अ लॉट्स ऑफ रिफॉर्म्स। बस सिंपल, आज भी हमको सुधार की आवश्यकता है या नहीं है। आज भी भारत में वो गुरुकुल पैटर्न, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं इस पे, वैदिक सिस्टम पे बात कर चुके थे हम लोग, गुरुकुल पैटर्न लाने की जरूरत है, वो पाठशाला पद्धति लाने की जरूरत है। नाउडेज द स्कूल बिकेम जस्ट अ बिजनेस, विद्यालय क्या बन गए, व्यापार बन गए, व्यवसाय बन गए। क्या ये उचित है? तमाम व्यंग स्कूलों पर आते हैं आज, स्कूल शिक्षा छोड़ के बाकी सब देने को आमादा है, स्कूल ड्रेस, बुक, पेंसिल, स्टेशनरी, जूता, बैग, बैग, टाई, सब कुछ, एजुकेशन पता नहीं। सो दैट इज द रिफॉर्म्स विच मस्ट बी ब्रॉट इन इंडिया। और आप चाहो तो इसको जोड़ सकते हो किससे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बैठ कर सकते हो। दैट्स वाई वी हैव चेंज्ड आवर एजुकेशन पॉलिसीज एंड स्टिल We have to change this policy after a time being। समय के साथ साथ हमें इस नीति में बदलाव करना ही होगा और हमें पूर्णतः विशुद्ध तरीके से एक वैज्ञानिक अप्रोच के साथ, विद द साइंटिफिक अप्रोच, द ट्रेडिशनल लर्निंग प्रोसेस लाना होगा। इज दैट क्लियर? आप लोग सवाल कर लेंगे।